तो दोस्तों बिग बैश लीग अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैच नंबर 53 के बारे में, जो कि ब्रिस्बेन हीट और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच खेला जाएगा मैच नंबर 53। बताऊंगा आपको दोनों ही टीमों की क्या प्लेइंग 11 है, अभी तक जो मैचेस खेले हैं उनमें कौन से प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी है, इस मैच में कौन सा प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए कौन सी टीम अच्छी साबित हो सकती है, उसके साथ में अपनी प्रेडिक्शन आपको देंगे, बताएंगे प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 की बात करने से पहले बता दूं, पर्थ पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है और उनका ये लीग स्टेज का आखिरी मैच है, तो वो अपने परफेक्ट प्लेइंग 11 के साथ में जाएगी। तो यहां पर पर्थ की जो प्लेइंग 11 होगी, बैनक्रॉफ्ट के साथ पेटरसन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद इवांस, कोलिन मुनरो, अस्टल टर्नर जो कि कप्तान है, एरन हार्डी, अस्टन अगर, एजे टाई, मैथ्यू, जेसन बैनक्रॉफ और पीटर, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। वहीं बात करते हैं हीट के बारे में। हीट पॉइंट्स टेबल में सेकंड लास्ट पोजीशन पे है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी है, तो उनकी टीम में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे नाथन के साथ क्रिस लिन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद प्रेफर या फिर मैक्स ग्रेट में से कोई एक खेलेगा। बैंडकट जिन्होंने लास्ट मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सैम, जेमी पियर्सन, नेसर, जेम्स, मार्क, मैथ्यू और मिचेल स्विप्सन, ये इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में। दोनों ही टीमों ने 17 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड, जिसमें से पर्थ ने 10 मैचेस जीते हैं तो ब्रिस्बेन हीट ने 7 मैच जीते हैं। फर्स्ट बैट पे 10 मैच और सेकंड बैट पे 7 मैच जीते हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात करी है तो यहाँ पे पर्थ आगे है 4-1 से। दोस्तों जो 5 मैच खेले गए हैं इनमें कितने आंकड़ों से टीम जीती है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे जो हीट ने एक मैच जीता है वो 6 रन से जीता था, बाकी 4 मैच पर्थ ने जीते हैं। एक 6 रन से जीता, एक 49 रन से बड़े मार्जिन से जीता, 59 रन ये भी बड़े मार्जिन से था, और पर्थ 34 रन जीता, ये भी एक बड़े मार्जिन से जीता था। यानी हीट की परफॉर्मेंस पर्थ के सामने एवरेज से भी नीचे रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं जहां पर ये मैच खेला जाएगा मेलबर्न के ग्राउंड में, वहां के T20 डोमेस्टिक के क्या स्टैट्स हैं। टोटल वहां पे 51 मैचेस खेले गए हैं, इन 51 मैचेस में से बैटिंग फर्स्ट 25 मैच जीते हैं और बैटिंग सेकंड 26 मैच जीते हैं, एक भी मैच वहां पे टाई नहीं रहा। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का 159, वहीं हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो रेनेगेड ने 222 रन स्कोर किया है और लोवेस्ट भी उन्हीं का है 57 पे ऑल आउट। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, बिलो स्कोर 150 15 टाइम, 150 टू 169 17 टाइम, वहीं 170 टू 189 12 टाइम और अबव स्कोर 197 टाइम। तो ये तो बात होगी स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के लिए ही इक्वल एडवांटेजेस है, लेकिन अगर कोई टीम फर्स्ट बैट पे आती है और 160-170 स्कोर कर लेती है तो वो एक बहुत अच्छा टोटल है और टारगेट को डिफेंड इजिली कर सकती है। वहीं बात करेंगे टीम यहाँ पर जो बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके लिए थोड़ा ज्यादा एडवांटेजेस है, फास्ट बॉलर को यहाँ पे ज्यादा विकेट मिलती है। बात करते हैं इस सीजन इस ग्राउंड पर जो मैचेस खेले गए हैं, टोटल 7 मैचेस खेले गए हैं, उन 7 मैचेस में से फास्ट बॉलर्स को 58 विकेट मिली है, वहीं स्पिनर को 29 विकेट मिली है। ये स्टैट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं। तो अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो आप फास्ट बॉलर को ज्यादा पिक करिए, क्योंकि वो यहाँ पर ज्यादा विकेट लेते हुए नजर आते हैं। स्कोरिंग पैटर्न जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन इस सीजन जो स्टैट्स रहे हैं, बिलो स्कोर 150 वन टाइम, 150 टू 169 टू टाइम, 170 टू 189 वन टाइम और अबव स्कोर 193 टाइम। तो ये तो हो गए इस सीजन के स्टैट्स। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में अगेंस्ट और इस वेन्यू पर क्या उनके स्टैट्स रहे हैं। पहले बात करते हैं पर्थ के बारे में। मुनरो की बात करें तो अगेंस्ट हीट पे 28.8 का इनका एवरेज रहता है, 4 मैचेस में 115 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। इस वेन्यू पर मात्र 3 मैच खेले हैं, 107 रन स्कोर किया है, 35.7 का इनका एवरेज है। बैनक्रॉफ्ट की बात करें तो 7 मैचेस में 49 का एवरेज, जो कि काफी अच्छा एवरेज है, 245 रन स्कोर किया है और इस वेन्यू पर 19.5 का एवरेज है। पैटरसन की बात करिए तो 26 का एवरेज है अगेंस्ट हीट और इस वेन्यू पर 1 मैच खेला है और 0 रन स्कोर किए हैं। वहीं इवांस की बात करिए तो 1 मैच में 33 रन नॉट आउट रहे हैं हीट के अगेंस्ट और इस वेन्यू पर 1 मैच खेला है, 42 रन नॉट आउट रहे हैं, यानी दोनों बार नॉट आउट दिखे हैं। वहीं बॉलिंग अटैक की बात करें, एजे टाई जिन्होंने 11 मैचेस में 17 विकेट निकाले हैं हीट की और इस वेन्यू पर 8 मैचेस में 9 विकेट निकाल कर दी है। जेसन बैनक्रॉफ्ट इन्होंने 10 मैचेस में 15 विकेट निकाल कर दिए हीट के और इस वेन्यू पर 5 मैचेस में 9 विकेट निकाल कर दिए है। पीटर की बात करिए तो 3 मैचेस में 4 विकेट निकाले हीट के और इस वेन्यू पर 3 मैचेस में 4 विकेट निकाले है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पर्थ की तरफ से आपके लिए 2 प्लेयर की प्लेयर साबित हो सकते हैं, बॉलिंग अटैक में जेसन और एजे टाई, ये आपको जरूर पिक करने हैं। वही बात करते हैं दूसरी टीम जो कि हीट है, जिनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। क्रिस लिन की बात करी जाए तो अगेंस्ट स्कोर देखिए
तो 47 का इनका एवरेज है और इस वेन्यू पर 21.3 का इनका एवरेज है। मिचेल नेसर की बात करिए तो 9 मैचेस में 11 विकेट लिए है। वहीं बात करते हैं स्विप्सन की, 5 मैचेस में 8 विकेट लिए है और मार्क ने 9 मैचेस में 6 विकेट लिए है और इस वेन्यू पे 3 मैच खेले और 3 विकेट निकाल कर दिए। बाकी किसी प्लेयर का कुछ खास स्टैट नहीं है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एवरेज से भी नीचे है। वहीं बात करते हैं दोनों ही टीमों के जो रिसेंट जो मैचेस हुए हैं उनमें प्लेयर की क्या परफॉर्मेंस रही है। पर्थ की बात करें, मुनरो जिन्होंने 18, 27, 40, 64 और 58 रन स्कोर किया है। इवांस ने 39, 69, 19 और 20। असल टर्नर जिन्होंने 28, 47, 69, 8 और 20। मैथ्यू की बात करिए तो 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। जेसन वेंड्रोफ जिन्हें लास्ट में विकेट नहीं मिली, उससे पहले 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट। अब बात करते हैं क्रिस लिन के बारे में, जो कि हीट के प्लेयर है, काफी अच्छे प्लेयर है लेकिन फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। लास्ट मैचेस में 28, 7, 13, 2 और 57 स्कोर किया है। बैंडकट 51, 24, 5, 21 और 54 रन स्कोर किया है। बाकी किसी बैट्समैन ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। वहीं बॉलिंग अटैक की बात करें तो जेम्स जो बैटिंग और बॉलिंग में कुछ खास कर देते हैं इनके लिए, लास्ट मैच में 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट निकाल कर दी है। मार्क जिन्हें हर मैच में विकेट मिली है, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 3 विकेट। जो प्लेयर मैंने हाईलाइट कर रखे वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं हेड टू हेड बैटल के बारे में। कुछ ज्यादा बैटल देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है दोनों ही टीमों के बीच, लेकिन दो बैटल है जो कि काफी खास देखने को मिलती है, एजे टाई वर्सेस लिन और मैक्स वर्सेस जेसन वेंड्रोफ। बात करते हैं उनके स्टैट्स के बारे में, तो 67 बॉलें फेस करी है, 110 रन स्कोर किया है लिन ने और 2 बार आउट रहे हैं। मैक्स वर्सेस जेसन वेंड्रोफ की बात करिए तो 27 बॉलों पे 15 रन स्कोर किया है और 2 बार आउट रहे हैं। तो ये बैटल आपको काफी खास देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर प्लेयर के बारे में। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये प्लेयर आप लोगों के लिए एक्स फैक्टर प्लेयर साबित हो सकते हैं, इनको आपको स्मॉल लीग में ड्रॉप नहीं करना है। कोलिन मुनरो, पैटरसन, ऑस्टन अगर, एजे टाई, क्रिस लिन, बैंडकट, मार्क, जेम्स और सैमसन, ये प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होंगे। अब बात करते हैं हमारी आज की प्रेडिक्शन के बारे में। प्रेडिक्शन की बात करिए तो देखिए पर्थ स्कॉचर्स पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है, वहीं हीट पॉइंट्स टेबल में सेकंड लास्ट पोजीशन पे है। आंकड़े के बेसिस पे देखा जाए तो पर्थ बहुत ज्यादा आगे है, तो मैं पर्थ के साथ जाऊंगा। पर्थ के जीतने के चांसेस 60% है और हीट के जीतने के चांसेस 40% है। जो आपके लिए जैकपॉट प्लेयर साबित हो सकता है वो क्रिस लिन हो सकता है, जो गेम को अकेले के दम पे चेंज कर सकता है। वहीं टॉस की बात करें तो टॉस हीट जीत सकता है। अगर पर्थ फर्स्ट बैट पे होती है तो 155 से 168 स्कोर करते हुए नजर आ सकती है। अगर हीट फर्स्ट बैट पे होती है तो 142 से 158 स्कोर करते हुए नजर आ सकती है। वहीं बात करते हैं स्मॉल लीग के लिए, तो स्मॉल लीग में आपके पास विकेट कीपर में बैन काफी अच्छी पिक है। वहीं बैट्समैन बात करें तो कोलिन मुनरो, इवांस, सैम और क्रिस लिन। ऑलराउंडर में बात करें तो ऑस्टन अगर, जेम्स और एरोन। वहीं बात करते हैं बॉलिंग अटैक के बारे में, तो एजे टाई, मार्क और जेसन वेंड्रोफ, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छे प्लेयर साबित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अदर मैच प्रिडिक्शन के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें जरूर कॉन्टेक्ट करना।